की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दी है और दिसंबर में विधानसभा में पेश होगा ये अध्यादेश। तो एक बड़ी खबर, यूपी में लव जिहाद अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है और राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तो एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे मंजूरी दे दी है। तो यूपी में लव जिहाद अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, एक बहुत बड़ी खबर यूपी से, जहां पर अध्यादेश को लव जिहाद के लेकर के अध्यादेश को लेकर के आज मंजूरी अब राज्यपाल की भी मिल गई है, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? जी हाँ बिल्कुल, सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पेश किया था और कैबिनेट ने उसको जैसे ही पास किया, आज गवर्नर के उस पर साइन हो गए और आज से ही ये अध्यादेश यानी ये कानून यानी विधि विरुद्ध धर्मांतरण, यानी अगर कोई नियम के खिलाफ जाकर के धर्मांतरण कराता है, जो नियम है उनके खिलाफ रहता है, तो उस पर ये कानून प्रभावी होगा। आज से ये कानून लागू माना जाएगा। इससे पहले जो भी धर्मांतरण हुए हैं, जो भी नियमों के खिलाफ जाकर के धर्मांतरण की प्रक्रिया हुई है, वो इससे बाहर है, लेकिन आज के बाद से जितने भी धर्मांतरण होंगे, अगर वो नियमों के खिलाफ है या फिर लव जिहाद जैसा कोई भी केस सामने आता है, तो इस कानून की जद में होगा, इस कानून के दायरे में होगा और इस कानून के धाराओं के हिसाब से उसमें सजा का भी प्रावधान है। बहुत जल्दी सरकार इस ऑर्डिनेंस को विधानसभा में रखेगी। अगले 6 महीने तक ये ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा और किसी भी 6 महीने के दौरान किसी भी विधानसभा सत्र में सरकार इसको पास करा करके एक प्रॉपर कानून की शक्ति दे देगी। बिल्कुल अभिषेक, जब कैबिनेट की बैठक में से पास किया गया था तो कहीं ना कहीं कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था, तो क्या लगता है आने वाले समय में इसका और विरोध देखने को मिल सकता है विपक्षी पार्टी द्वारा? देखिए, अब क्योंकि ये ऑर्डिनेंस है, इसको मंजूरी मिल चुकी है, इसकी औपचारिक रूप से संवैधानिक बाध्यताएं हैं, संवैधानिक कानून के रूप में इसको देखा जा सकता है, तो फिलहाल विपक्ष का विरोध अपनी जगह है, लेकिन ये कानून है, ये नियमों से सम्मत है और कानून की शक ले चुका है, तो ऐसे में विपक्ष भले ही विरोध करे, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को फिलहाल लागू कर दिया गया है। विधानसभा सत्र भी जब बुलाया जाएगा तो इस पर चर्चा कराई जाएगी, जाहिर तौर पर वहाँ भी विपक्ष का विरोध देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये कानून आज से प्रभावी हो गया है। बिल्कुल अभिषेक, ऐसे मुद्दों को लेकर के जब भी कानून आता है तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, क्या लगता है कि लोगों का कुछ रिएक्शन आ सकता है और लोग विरोध कर सकते हैं इसका? देखिए फिलहाल अभी तक अभिषेक आपको रुकना चाहूंगा, चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज जी स्वागत है आपका भारत समाचार में। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यपाल ने लव जिहाद के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, क्या कुछ आपका रिएक्शन है, क्या विचार है आपके? देखिए ये बहुत स्वागत योग्य है और इससे इतनी सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से लव जिहाद की शिकार बेटी और बहनें काफी समय से हो रही थी, अब विराम आवाज पेपर में आया है कि किस प्रकार से कि लव जिहादी ने अपने जान में फंसा करके वो ले गया और वो हरियाणा में और फरीदाबाद की तरफ, और उसने जो 4 अपने जिहादियों के साथ मिलकर उसके रेप किया। सवाल इस बात का है कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं या इसके बनाने के लिए विरोध कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से बेटी और बहनों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, यह स्पष्ट हो गया। क्योंकि देखिए बेटी किसी की बेटी है, बहन किसी की बहन है। आप एक नाम बदल के जिस प्रकार से ये काफी समय से हो रहा था, और एक तो नहीं लाखों, यहाँ पे संख्या सबसे ज्यादा देश में हिंदुओं की है, लेकिन एक भी हिंदू कभी आपने नहीं सुना होगा कि मुस्लिम नाम बदल करके और किसी मुस्लिम बच्ची को या बहन को धोखा दे, क्योंकि उसका कारण है कि हिंदू खुद उसको जूता मारना शुरू कर देगा और अच्छा कोई उसको मान्यता नहीं देगा। लेकिन यहाँ तो बढ़ावा दिया जाता है, जब फरीदाबाद में कांड हुआ, जब जिहादी ने 2018 में भी अपहरण करने का प्रयास किया बेटी निकिता का, जब असफल हो गया, फिर 2020 में किया और उसका धर्म परिवर्तन, जब उसकी हत्या कर दिया तो उसकी माँ का बयान था कि अगर ये धर्म परिवर्तन कर ली होती तो ये मरती नहीं। तो सवाल कहीं ना कहीं इनके खून में है, एक लव जिहादी एक पूरी सिंडिकेट है इनका, एक बना हुआ है जो घर से लेकर के कई मौलाना है जो इसमें जुड़े हुए हैं। ये ठीक है कि सबको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसी साजिश है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में लव जिहाद की वो है। इसी का परिणाम था कि केरल के हाई कोर्ट ने भी तक लव जिहाद की बात को जिक्र किया था। चक्रपाणी महाराज जी आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर मतीन खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मतीन खान जी स्वागत है आपका भारत समाचार में। मतीन खान जी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। मतीन जी, यहाँ पर यूपी से एक बड़ी खबर है जहाँ पर लव जिहाद को लेकर के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है, आपके क्या कुछ रिएक्शन है इस पर? देखिए आज आप देखें कि किसान सड़कों पर है, आत्महत्याएं बढ़ रही है,
लोग परेशान हैं, हर 15 मिनट में बलात्कार हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ये सब चीजों पे बात ना हो, लोग इस पर सवाल ना करें, इसलिए इस तरह का ये सब प्रोपेगंडा कर रहे हैं। और ये जो चकपाड़ी जी या इस तरह के जो भी लोग बैठ करके टीवी पे गलत और बेबुनियाद जी मतीन जी हमारे चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़े हुए। चक्रपाणी महाराज जी, मतीन खान जी यहाँ पर साफ तौर पर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि लव जिहाद कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम करेगा, अब आगे क्या कहेंगे आप? मतीन खान जी का मैं सम्मान से एक बात कहना चाहता हूँ, मतीन खान जी की बेटी हमारी बेटी है, उनकी बहन हमारी बेटी है, सवाल इस बात का है, या किसी के देश की बेटी है, देश की बहन है, सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से लव जिहाद के माध्यम से कोई भी लफंगा जो मुसलमान है, वो जो अपने युवा है, अपने को पता क्या, है क्या देश में ये लव जिहाद जिहाद का जुमला इस्तेमाल है क्या? बिल्कुल है, ये जो टीवी पे झूठ बोल रहे हैं, ये जो प्रोपेगंडा कर रहे हैं, क्या ये बताएंगे? मनीष जी ये पूछिए इनसे, क्या अध्यादेश के अंदर ये बात आई है क्या? बोल दीजिए ना, क्या जिहाद का जुमला इस्तेमाल किया है? ये टीवी बैठ के क्यों बयान कर रहे हैं? अरे पहले बोलने दीजिए ना। अरे जो बात है वो तो भाई आप गलत बयान क्यों बोलेंगे? आप गलत बात बोले हम सुनते रहे। आप यहाँ भी आप बताइए क्या अध्यादेश के अंदर जिहाद का जुमला लेके आए हैं क्या? मतीन जी, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे थे, इसी के बाद यहाँ पर लोगों की तरफ से अपील की गई थी, लोग मांग कर रहे थे कि इस पर कानून बनाया जाए। इस वक्त मतीन खान प्रदेश के अंदर एक नंबर का चैनल है और लोग जो है इसके जी बिल्कुल एक ही करके बोलिए, क्योंकि ऐसे दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, वो संजीदगी से लेते हैं। बिल्कुल, अगर आपके चैनल पर ये झूठ बोल रहे हैं सतपाली महाराज जी, और ये जो अध्यादेश जो चीज आया है वो बयान करें कि अध्यादेश किस बात को लेकर क्या आया है। देखिए अध्यादेश बिल्कुल सही है और बिल्कुल अध्यादेश में क्या लव जिहाद का जुमला है? और लव जिहाद कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए, पहले ये बताइए क्या अध्यादेश में लव जिहाद का जुमला है? अरे सुनिए, अरे बताइए आप, पहले आप मतीन जी आपको बोलने का मौका मिलेगा। चक्रपाणी जी कहिए आप। मैं कहना यही चाहता हूँ जो मतीन खान जी चिल्ला रहे हैं, भाई सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, सुगंधा नहीं सकती कागज के फूलों से। आप ये समझिए चाहे कितना भी दबाइए, जब लव जिहाद है तो लव जिहाद है। और आपके मतीन ये देखिए, ये है प्रोपेगंडा, ये आपके सम्मानित चैनल को बदनाम करने के लिए बैठ गए हैं। ये जब ये अध्यादेश में ये बात है नहीं, तो ये कैसे ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं? ये अगर ये जब अध्यादेश में इस जुमले का इस्तेमाल नहीं है तो ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? यही प्रोपेगंडा, यही झूठा प्रोपेगंडा है। और ये संयुक्त सरकार नाकाम है, हर महाराष्ट्र सरकार नाकाम है, लोग बेरोजगार है, लोग परेशान है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, हर 15 मिनट में बलात्कार हो रहे हैं, लोग भाजपा से त्रस्त आ चुके हैं। और इस बुनियाद पर इनका जो टोला है, भाजपा जो टोला है, वो इस तरह से हिंदू और मुसलमान करने का इसने ठान लिया है कि हिंदू मुसलमान करते रहो, बाबरी मस्जिद का मामला उठाते रहो और राम जन्मभूमि का मसला उठाओ, और उसके बाद जो है लव जिहाद का कोरोना जैसी महामारी को भी जो है ये हिंदू मुसलमान से जोड़ते हैं। केरल में बाढ़ आती है तो, लेकिन मतीन जी इस अध्यादेश में हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, बहुत ही यहाँ तो लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे थे, इसी के चलते यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। मनीष जी ये बताइए, लव जिहाद का जुमला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जब अध्यादेश में नहीं है? अध्यादेश में लव जिहाद की तो कोई बात ही नहीं कही गई ना, इस पे तो सिर्फ कानून बनाया गया है ताकि जो लव जिहाद के जो मामले लगातार बढ़ रहे थे उसको रोका जा सके। आप ये बताइए कि लव जिहाद के नाम से क्या कानून बना है? बिल्कुल झूठ क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल लव जिहाद को लेकर के नहीं बनाए, लेकिन जो केसेस लगातार बढ़ रहे थे उसको लेकर के कानून बनाए। क्यों कर रहे हैं? अरे धर्म परिवार को लेकर प्रोपेगंडा क्यों कर रहे हैं? लव जिहाद तो आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, मतीन और चक्र।